कहती है बार बार कहती है मन की यही लहर बार बार कहती है मन की यही लहर बस इतनी सी कर देना कब मुझ पे तू मेहर नजरों में अपनी रखना नजरों में अपनी रखना नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा भरती है मुझ में आशा नजरों से तुमने अपने मुझे खूब है तराशा मुझे खूब है तराशा नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा समा तेरी नजरों में समा तेरी नजरों में मैं जाऊं वहीं ठहर समा तेरी नजरों में मैं जाऊं वहीं ठहर बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर नजरों में अपनी रखना नजरों में अपनी रखना खुशियों की नहीं सहर तेरी नजर में देखी खुशियों की नहीं सहर बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर नजरों में अपनी रखना नजरों में अपनी रखना ईश्वरीय वरदान जिनमें एक अद्भुत चमत्कार है ईश्वरीय वरदान प्राप्त करना ये भाग्य ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को ही मिलता है।
और उस मिले हुए वरदान को निरंतर स्मृति में रखकर उसे सिद्धि प्राप्त करना, ऐसा करने वाली आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाती है। उनका मनोबल इतना बढ़ जाता है कि जो भी संकल्प करे वो शुभ संकल्प की उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। उसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई बाधाएं रोक नहीं सकती। क्योंकि ईश्वरीय वरदानों की स्मृति से जो अद्भुत शक्ति मिलती है वो शक्ति ईश्वर को उस आत्मा के बहुत समीप ला देती है, या यूं कहें कि वो आत्मा ईश्वर के बहुत नजदीक अपने को अनुभव करती है। भगवान तो सभी को समानता की दृष्टि से देखते ब्रह्मलोक में रहने वाले उस पिता परमात्मा से तो विश्व की सभी आत्माओं पर वरदानों की बरसात निरंतर होती रहती है, परंतु इस भौतिक दुनिया से उपराम होकर अपने तीसरे नेत्र से उन्हें जो देख लेता है और फिर निश्चय बुद्धि होकर अंतरात्मा से जो दिल से वरदानों को स्वीकार कर लेता है वही धन्य धन्य होता है। चले ईश्वरीय वरदानों की बरसात में अपने आप को डुबो ले, अपने आप को भिगो ले, सराबोर कर ले अपने आप को उनके वरदानों की बरसात में। समा जाए दया निधि करुणा सिंधु उस प्रेम के भंडार परमात्मा के वरदानों की स्मृति में, जिन्हें कभी जन्म जन्मांतर से पुकारा था और जिन्हें त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सब कुछ कह के उन्हें याद किया था। आज विश्व के
महापरिवर्तन की वेला है। हम सभी कलयुग के अंत और सत्ययुग के आदिकाल के संगम पर हैं। ये प्रभु से वरदानों की प्राप्ति की वेला है। लगातार अपने मन के नेत्र से अपने उस सत्य स्वरूप को देखते रहें, भ्रिकुटी में विराजमान मैं एक दिव्य ज्योति हूँ। एक मणि के समान चमकने वाली मैं आत्मा हूँ। ये शरीर तो नाश्वर है, विनाशी है, शरीर तो मेरा एक वस्त्र है, परंतु इस शरीर को धारण करने वाली मैं प्रभु प्रिय आत्मा हूँ। बार बार अपने उस सत्य स्वरूप को निहारते रहें और सामने उस महाज्योति प्रेम के सागर आनंद के सागर सर्वशक्तिमान जो शक्तियों में सूर्य है और गुणों में समुद्र है निहारते रहे उसे और भरते रहे अपने अंदर उनसे प्राप्त हो रहे वरदानों को। बीती हुई बातों का चिंतन न कर बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। देखें निरंतर आ रही शिव बाबा से वरदानों की किरणें मुझ पर लगातार पड़ रहे हैं। सेवा में स्वच्छ बुद्धि स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का आधार है।
कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी भी आत्मा की बीती हुई बातों का चिंतन तो नहीं चलता। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना उनसे बोलना इससे संपूर्ण सफलता हो नहीं सकती। इसलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तब ही संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। संकल्प करें, बीती हुई बातों के आधार पर व्यर्थ संकल्प को बुद्धि में रखकर किसी से व्यवहार नहीं करेंगे। महसूस करें, इसी संकल्प के करते ही परमात्मा शिव बाबा के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। वरदानों की सिद्धि मुझे प्राप्त हो रही है। सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त भव जब भी कोई देवी देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हैं। विनाशी चीजों के आकर्षण में आकर आप कभी खुशी नहीं गंवाते हो।
विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाली अनुभवी मूर्त भव लगातार आ रही है। महाज्योति शिव बाबा से वरदानों भरी शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती है उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, बल्कि उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो कि निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने वाले निमित्त अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे आपकी और भी अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। लेते चले वरदानों की शक्ति, अपने अंदर समाते चले। फील करें परमात्मा शिव बाबा से लगातार वरदानों भरी शक्तिशाली किरणें मेरी ओर आ रही है। मुझ आत्मा में जो मैं मस्तिष्क के बीच भ्रिकुटी में निवास करती हूँ उसमें भरती जा रही है। मुझसे होते हुए पूरे मस्तिष्क में फैल रही है। पूरे मस्तिष्क से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। पूरे वातावरण में फैल रही है। दूर दूर तक फैल रही है। मेरे रास्ते के सभी विघ्न खत्म होते जा रहे हैं।
ये वरदानों के प्राप्ति की वेला है। निरंतर मन के नेत्र से दो ही कार्य करने हैं, अपने आत्मिक स्वरूप को निहारते रहें। और परमात्मा शिव बाबा से, जो ऑल माइटी अथॉरिटी है, उनसे आती हुई स्वयं पर बरसती हुई वरदानों की शक्तिशाली किरणों को फील करें। अपने पूज्य पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव, इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना, सर्व के पूर्वज आ ब्राह्मण सो देवता हो, हर कर्म का आधार कुल मर्यादाओं का आधार रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। आपको सभी फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। लेते चले वरदान की किरणों को अपने अंदर समाते हुए, पेपर में घबराने के बजाय
फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव मीठे बच्चे, जब भी किसी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ, यह क्यों आया, इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप। तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास होंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा। क्योंकि फुल स्टॉप ही है बिंदी की स्टेज। इसलिए व्यर्थ बातों को देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, बस पेपर के समय भी बाप का सुनाया हुआ सुनो। और बाप ने जो दिया है वह देखते रहो। तो फुल पास हो जाएंगे। और पास होने की निशानी है सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। भरते चले सफलता मूर्त बनने के इस वरदान को अपने अंदर।
समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। सारे कल्प की कमाई का श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का पांच हजार वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का विश्व कल्याण का विश्व परिवर्तन का समय चल रहा है। और यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गंवाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ देते हैं, तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन विश्व की आधार मूर्त आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चल सकती। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। भरते चले अपने अंदर इस वरदान की शक्ति को, अपनी रखना नजरों में अपनी रखना।
निरंतर मन के नेत्र से उस पिता को निहारते रहे। महाज्योति सर्वशक्तिमान भाग्य विधाता निछावर है मुझ पर। मन लगातार उन्हें देख रहा है। अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसका भाग्य कैसा होगा। सदा यही खुशी रहे
कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। और वाह भाग्य विधाता बाप, यही गीत गाते सदा खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा और कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं, मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गई। जहां खुशी है उमंग उत्साह है, उसके खजाने में हर प्राप्तियां स्वतः आ जाती हैं। भरते चले अपने वरदान की शक्ति को अपने अंदर, दिल से स्वीकार करें, भर ले अपनी झोली भोलेनाथ शिव बाबा के वरदानों से। सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह के गीत, खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है,
इसलिए आप खुशनसीब ही नहीं अविनाशी खुशनसीब हो। आपके मन में कभी क्यों क्या के संकल्प नहीं आ सकते। आप वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा के गीत गाते रहो। समाते चले दिल से इस वरदान को, दिल से स्वीकार कर ले इस वरदान को। शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। अब समय के प्रमाण समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ प्रयोग करके देखो। दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार करें इस वरदान को, महावरदान को।
अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव निरंतर अपने तीसरे नेत्र के द्वारा आत्म स्वरूप में टिकते हुए उस महाज्योति शिव बाबा को निहारते रहे, जो शक्तियों में सूर्य के समान है और गुणों के भंडार है। उनसे प्राप्त हो रहे एक एक वरदान को अपने अंदर समाते चलें। भोले भंडारी शिव बाबा का भंडारा भरपूर है वरदानों से, और जो आत्माएं इसे स्वीकार करती हैं उसके जीवन के काल कंटक सब दूर हो जाते हैं। आज के विश्व में सभी आत्माएं चिंतामणि हैं। उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार मिटाती हैं, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों के शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है। इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। करते चले सभी के लिए शुभ संकल्प और मिटाते चले सभी की चिंताएं। कितना सुकून मिल रहा है दिल को, भगवान का सानिध्य, उनका विधाता स्वरूप, उनका वरदाता स्वरूप कितना अद्भुत है। धन्य धन्य हो गई मैं आत्मा।
शांति दाता, आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता, आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता। न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा शिव भोलेनाथ के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव मैं शिव बाबा का कितना प्यारा हूं इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा न्यारे हैं बाकी फंस जाते हो तो प्यारे भी इतने होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं उसकी निशानी है स्वतः याद। प्यारी चीज स्वतः और निरंतर याद रहती है। तो यह कल्प कल्प की प्रिय चीज है। ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकते। भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई और व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा शिव भोलेनाथ बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। जहां भगवान पिता के रूप में साथ है तो फिर मुश्किल तो कोई बात हो ही नहीं सकती। लेते चले नतमस्तक होकर उस वरदान को भरते चले अपने अंदर।
वरदानों के माध्यम से भोलेनाथ शिव बाबा मनुष्य आत्माओं के हर कामना को पूर्ण करते हैं, हर प्रश्न का जवाब देते हैं। ये वरदान हर आत्मा के लिए भगवान का खत है, पत्र है। इसलिए बड़ी श्रद्धा से, दिल से उसे स्वीकार करें। पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाकर स्वदेश में ले जाते हैं और स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब के समाप्ति का समारोह मनाओ। जब अभी यह समारोह मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मना सकेंगे। बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्ति पद को प्राप्त कर सकते हैं। भरते चले इस वरदान की शक्ति को अपने अंदर, शिव बाबा से आ रही निरंतर उस शक्तिशाली किरणों को समाते चले। लगातार वो किरणें मुझ आत्मा से होते हुए पूरे मस्तिष्क में फैल रही है। पूरे शरीर में फैल रही है और पूरे वातावरण में फैल रही है। दूर दूर तक शक्तिशाली वातावरण बन रहा है जिसमें असंभव कुछ भी नहीं है, कोई विघ्न नहीं, कोई व्यर्थ नहीं, सब कुछ कल्याणकारी।
रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते हरेक को आत्मा के रूप से देखना व आत्म अभिमानी होकर रहना है। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं। दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहां अपवित्रता नहीं वहां दुख अशांति कहां से आई? जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। चले इस वरदान की शक्ति को अपने अंदर और निरंतर मन की आंखों से अपने उस आत्मिक स्वरूप को देखते रहें जिसकी शक्ति एक एक वरदान को प्राप्त करते करते निरंतर बढ़ रही है, निरंतर प्रकाश भर रहा है, बढ़ रहा है। पवित्रता की शक्ति निरंतर बढ़ रही है। खुशी के खजाने से संपन्न बन सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भव
संगम युग पर बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना, खुशी का खजाना दिया है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो और सारा दिन उसी खुशी में रहो। ऐसे खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। क्योंकि दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है, आपके पास खुशियों का भंडार है तो दान देते रहो। यही सबसे बड़ी सौगात है। याद रखें, मैं खुशी का फरिश्ता हूँ, मुझे केवल खुशी बांटनी है। भरते चले अपने अंदर इस वरदान की शक्ति को जो निरंतर बरस रही है, निरंतर आ रही है अपनी ओर। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भव। जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ भी नहीं, सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहां फिक्र नहीं वहां सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से, खुशी के खजाने से
भरपूर हो जाते हैं। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट ईश्वरीय खजाने हैं जो सत्युग में भी नहीं होंगे। भरते चले अपने अंदर इस वरदान की शक्ति को। Thank you.
सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते, योग की स्थिति डगमग न हो, योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते भी निमित्त मात्र, अनाशक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन साधन आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। समाते चले इस वरदान की शक्ति को अपने अंदर। वरदानों की शक्ति से मुझ आत्मा का दिव्य प्रकाश का आवरा निरंतर बढ़ रहा है। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना यह विशेष सेवा है। जैसे साइलेंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे
साइलेंस की पावर भी नामी ग्रामी हो जाए। सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर से असंभव भी संभव होता है, साइंस पावर से साइलेंस पावर ऊंच है। वह दिन भी आना है, साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी जीवन। हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की नजर भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। लेते चले विशेष सेवाधारी का वरदान, बढ़ाते चले अपनी साइलेंस की शक्ति को। योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव, आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहां भी रहते ऊंची स्थिति में स्थित रहते हो, इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर न हो, देह भान में न हो, इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव न हो, भरते चले इस डबल लाइट फरिश्ता भव के वरदान की शक्ति को अपने अंदर।
सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा, उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं, प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो, स्नेह और अथॉरिटी निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। समाते चले अपने अंदर इस बैलेंस की अथॉरिटी को और प्राप्त कर ले इस सफलता मूर्त के वरदान को। जिनके पास ईश्वरीय वरदानों की शक्ति होती है उनके चारों तरफ एक प्रकाश का सुरक्षा कवच बन जाता है। और उसके ऊपर किसी की कभी काली नजर नहीं पड़ती। हर मुश्किल आसान हो जाती है। पहाड़ भी राई और राई से रुई बन जाता है।
बदल।